स्नूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहा जाता है सामाजिक जीवन में विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले को आने वाली पीढ़ियां युगों तक याद रखती है। जिन लोगों ने समाज को सींचने संवारने का काम किया वे समाज के लिए प्रेरणा पूज बन गए। एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे योवना बाबू, जिन्होंने युवना शिक्षा के संग्राम विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था। कांटी के प्रथम विधायक बनने का गौरव हासिल करने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय युवना प्रसाद त्रिपाठी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांटी प्रखंड परिषद स्थित उनके प्रतिमा पर शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान लोगों ने योवना बाबू के प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अभिनंदन करती हूँ और मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिन है जो ऐसे महान विधायक जी का, जो पूर्व विधायक थे हमारे यहाँ के, उनका माल्यार्पण हो रहा है और यहाँ उनका किया गया है, जैसे प्रतिमा लगाया गया है। ये हमारे कांटी के लिए सौभाग्य की बात है और उनका चरित्र है बहुत ही अनुकरणीय है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। आज पुण्यतिथि पर कांटी प्रखंड के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सम्मानित माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, संजय पंकज जी, कवि महेश चौधरी, शंभुनाथ चौबे जी, याचना शाही जी, अविनाश तिरंगा जी आदि अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं या जो भी मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्य, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूर्व प्रमुख मुकेश पांडे जी, विपिन झा जी, दिनकर जी या उस समय के तमाम मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने पूर्वजों की कृति को याद किया था और एक यहां धरोहर के रूप में स्थापित प्रतिमा का किया था। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और वर्तमान प्रमुख कृपा शाही जी को भी मैं बहुत दिल से हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने आज माल्यार्पण, आचार संहिता के कारण समारोह नहीं हो पाया लेकिन एक माल्यार्पण समारोह हुआ और हम लोगों ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यमुना बाबू हमारे क्षेत्र के पहले विधायक थे, उनका हर एक कृत्य, उनका व्यक्तित्व हमारे लिए अनुकरणीय है। हम लोग उनसे सीखते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान था हम लोग के बीच में मिसाल के रूप में है, उदाहरण के रूप में है। तो आज हम उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए शक्ति मांगते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर आगे चल सकें। सपना शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उनका प्रयास रहा था, वर्तमान की स्थिति में किस रूप में इसको देखते हैं? नहीं, वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निम्न हो चुका है। मतलब जिस सोच के साथ उन्होंने हर गांव, गवई और टोले में विद्यालय खोलने का काम किया था वह उद्देश्य आज पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। अभी ज़रूरत है हमारे योगदान की, हमारे सामूहिक योगदान की कि हम लोग शिक्षा विद्यालयों में शिक्षा हो, बच्चे पढ़ें, तालीम हासिल कर सकें, उसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा, हमें अपनी जो भूमिका है वो अदा करनी पड़ेगी। अभी युवा है और दायित्ववान पद पे, प्रमुख पद पे है, तो किस प्रकार जो उनकी सोच थी उनको प्रखंड में किस प्रकार स्थापित करने का प्रयास रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही मायनों में शिक्षा का स्तर अगर हम सुधार लेते हैं तो उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। जिस प्रयोजन के साथ उन्होंने हर गांव-गांव में स्कूल खोलने का काम किया था, आज उन स्कूलों में शिक्षा उच्च स्तर की मिले और लोग अच्छी तालीम हासिल कर सकें तो उनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा।
तो इसलिए अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम लोग जो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, अब उन सबको जो है शिक्षक शिक्षा को इम्पार्ट कर दें, लोगों को शिक्षा दे दें, बच्चों को तालीम दें, तो ये हो जाए तो बस उनका सपना पूरा होगा, मुझे तो यही लगता है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।